लालू परिवार ने पप्पू यादव को आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया। पूर्णिया में प्रचार का जिम्मा खुद तेजस्वी यादव ने संभाला। माइक पर तेजस्वी यादव और मंच पर आंचल फैलाकर खड़ी भारती पूर्णिया की जनता से आरजेडी कुछ इसी अंदाज में वोट मांग रही है और अपना प्रचार कर रही है। 15 साल से एनडीए का एमपी है, 10 साल से मोदी जी सरकार में है, 17 साल से भाजपा और जदयू राज्य सरकार में है और 7 टर्म से बीजेपी का पूर्णिया विधानसभा का विधायक है। इस पूर्णिया के लिए क्या हुआ, क्या हुआ? बिहार में लोकसभा की सबसे दिलचस्प लड़ाई पूर्णिया में हो रही है। कहने को तो बिहार में इंडिया अलायंस एक साथ चुनाव लड़ रहा है, लेकिन पूर्णिया में इंडिया अलायंस के बीच ही घमासान छिड़ा हुआ है। पूर्णिया सीट से आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया है। ये सीट इंडिया अलायंस में आरजेडी के खाते में है, लेकिन कांग्रेस में शामिल हो चुके पप्पू यादव इस सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं। एक सीट ने हम मांगा था और हमने याद कर दिया कि आपको कांग्रेस में आधी तकलीफ है तो मैं आपके साथ आ रहा हूँ, आप हमको पूर्णिया दे दो, बस तब भी नहीं। बीमा भारती ने आज पूर्णिया सीट से अपना नॉमिनेशन भरा। पप्पू यादव 4 अप्रैल को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। जेडीयू ने यहां संतोष कुमार कुशवाहा पर अपना दांव लगाया है। बारामती में जो पवार हारेगा उसका सियासी भविष्य मुश्किल में पड़ जाएगा। बारामती में शरद पवार ने ट्रंप कार्ड खेल दिया। प्रकाश अंबेडकर के ऐलान के बाद यह तय हो गया कि बारामती में मुकाबला अब पवार फैमिली के बीच ही होगा। यहां कोई तीसरा बड़ा कैंडिडेट नहीं होगा। एक तरफ बड़े पवार की बेटी सुप्रिया सुले तो दूसरी तरफ छोटे पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में होंगी। दरअसल प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने बारामती में अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया है। इसका फायदा सुप्रिया सुले को मिल सकता है, इसलिए सुप्रिया सुले अंबेडकर का आभार जता रही हैं। इसके साथ ही सुप्रिया ने बारामती को खास मैसेज भी दिया। ये एक वैचारिक लड़ाई है, माझी लड़ाई कुठल्या ही व्यक्तीशी नाहीये, माझी लड़ाई भारतीय जनता पक्षाच्या चुकीच्या त्यांनी जे पॉलिसी निर्णय घेतात त्याच्या विरोधात आहे। बारामती का एक एक वोट पवार फैमिली के लिए बहुत कीमती है। यहाँ पवार फैमिली की विरासत दांव पर लगी है। बीजेपी ने महादेव जानकर को बीजेपी में शामिल करवाकर बारामती में बढ़त बनाई थी, लेकिन प्रकाश अंबेडकर के वॉकओवर से अब मुकाबला फिर कांटे का हो गया है।